बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 और लेक्चर नंबर 21 है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, हाइपरबॉलिक और इनवर्स हाइपरबॉलिक की डिफरेंशिएशन। तो वो सब इसी एक्सरसाइज में आते हैं, तो उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है जबकि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, उसमें से मैं एक दो पार्ट जो है वो सॉल्व कर देता हूँ, तो बाकी आप खुद से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, जिसकी पावर में वेरिएबल आया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, पहले तो हम जो पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसी तरह से लिख देते हैं, ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और साथ में कांस्टेंट जो है उसका नेचुरल लॉग ले लिया जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई, ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी पावर वेरिएबल है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई आ जाएगा साथ में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर कौन सी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, होल पावर का हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स के। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 उसी तरह से, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, और डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 मतलब कि इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो वो हम पहले भी कई दफ़ा अलजेब्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कर चुके हैं इस चैप्टर में, तो उसकी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये हमने डिफरेंशिएशन की है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हमें गिवन था ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसी तरह से इसका पार्ट, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब इंटू ई पावर 1 ओवर एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसमें प्रोडक्ट है एक अलजेब्रिक फंक्शन का और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्स क्यूब जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फिर पहले तो थ्योरम अप्लाई होगा, सही है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के, ठीक है, इसका प्रोडक्ट, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले मैं डेरिवेटिव लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई पावर 1 बाय एक्स। तो अब यहाँ पर देखें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो थ्योरम वही, सब थ्योरम्स वही अप्लाई होंगे जो हमने पहले पढ़े थे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, पहला फंक्शन उसी तरह से लिख देते हैं एक्स क्यूब, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, और फिर प्लस का साइन, और जो है सेकेंड डेरीवेटिव हम उस तरह से लिख देते हैं, और साथ में फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरीवेटिव आ जाएगा एक्स क्यूब का। अच्छा, अब इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लेते हैं, एक्स क्यूब इंटू ई पावर 1 ओवर एक्स, ई पावर 1 ओवर एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर ई है, ठीक है, साथ में डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर क्या है 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स की
डिफरेंशिएशन हो जाएगी प्लस ई पावर वन ओवर एक्स उसी तरह से आ जाएगा, ये मैंने उतार लिया। साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है और उसके वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा जो कि इक्वल आ जाएगा 3x² के। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब इंटू ई पावर वन ओवर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ई वन हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स जो है वो नेचर लॉग ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर पावर रूल आपने अप्लाई करना है, बल्कि वन ओवर नेचर लॉग ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आता, हम वन ओवर एक्स की डिफरेंशिएशन इस तरह से करते हैं कि वन ओवर एक्स को इक्वल ले लेते हैं एक्स पावर माइनस वन के, ठीक है, एक्स पावर माइनस वन के। उसके बाद इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ई पावर वन ओवर एक्स इंटू 3x² आ जाएगा और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये x² है, ये x³ है, ये आपस में कैंसिल आउट होके x बचेगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स ई पावर वन ओवर एक्स प्लस ई पावर वन ओवर एक्स 3x². अब इन दोनों टर्म्स में ई पावर वन ओवर एक्स कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ई पावर वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस ई 3x². तो ये बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये हमने इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड की। इसी तरह से बाकी जो आठ के आठ पार्ट्स हैं उसमें ये सारे जो है थ्योरम्स भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन भी आ रही है, तो वो आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। और जो हमने इस टॉपिक में जो पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन को, उसके अलावा और कुछ नहीं, तो उसके कंसेप्ट समझ के उनको सॉल्व करें। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर टू पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहा गया है डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, मतलब कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, जबकि हमें वाई के इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, फंक्शंस गिवन है हमें। तो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले पार्ट का। पहला पार्ट हमें गिवन है वाई इज़ इक्वल टू, बल्कि सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ नेचर लॉग ऑफ एक्स। अब देखें ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया इसमें, ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे इसकी इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक फंक्शन है एक्स और एक फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वेयर रूट, ये दो फंक्शन हैं, ठीक है, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी दो फंक्शंस, कोई से भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन उसी तरह से दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और प्लस आ जाएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ एक्स साथ में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये बनेगा एक्स इंटू नेचर लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन ओवर टू स्क्वेयर रूट ऑफ नेचर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ये मैंने पावर रूल अप्लाई किया है, वन ओवर टू इसकी पावर बनती है नेचर लॉग ऑफ एक्स की, वन ओवर टू पहले आ गया, उसके बाद नेचर लॉग ऑफ एक्स की पावर में से एक माइनस करेंगे, वन बाई टू माइनस वन, तो वो माइनस वन बाई टू बनेगा, इसलिए मैं उसको नीचे ले आया पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये बन गया वन ओवर टू नेचर लॉग ऑफ एक्स का स्क्वेयर रूट। और पावर रूल में आप याद करें तो साथ में डेरिवेटिव होता था विदाउट पावर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचर लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, नेचर लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी पावर को हमने ख़त्म कर दिया, विदाउट पावर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो प्लस नेचर लॉग ऑफ एक्स का स्क्वेयर रूट और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि इक्वल वन हो के इक्वल था। उसके बाद एक्स डिवाइडेड बाय टू स्क्वेयर रूट ऑफ नेचर लॉग ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ नेचर लॉग ऑफ एक्स इज वन ओवर एक्स, ठीक है, साथ में डेरिवेटिव होता है जिसका नेचर लॉग ऑफ होता है तो वो वन के इक्वल आता है, तो प्लस नेचर लॉग ऑफ एक्स का स्क्वेयर रूट। तो ये एक्स जो है इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2
टू स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट बन रहा है। तो बल्कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि ये दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है, तो ये इसके साथ प्लस ही होगा। वन ओवर टू स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये एफ प्राइम या डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आ जाता है। तो इसी तरह से इसका मैं पार्ट नंबर 12 सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 12 में क्या हमें फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस वन का की पावर x, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, x प्लस वन और उसकी पावर भी x है, तो मतलब कि फंक्शन में भी वेरिएबल है और उसकी पावर में भी वेरिएबल है, ठीक है। फंक्शन भी वेरिएबल है और उस फंक्शन की पावर भी वेरिएबल है। तो जब ये केस आ जाता है, तो ये भी हमने जो है पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, कि हम दोनों साइड पे इसको सॉल्व करने के लिए, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ताकि ये वेरिएबल पावर जो है वो हम पहले ला सकें, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन का की पावर x, ठीक है। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि हम पावर को लॉग से पहले ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन, ठीक है। ये मैं पावर को पहले ले आया, तो अब इसकी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन। तो इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखें अब यहाँ पर जो है, पहले तो लेफ्ट साइड को देखें, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर y, ठीक है। जिसका भी नेचुरल लॉग होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, वन ओवर y, और साथ में उसी का डेरिवेटिव लिया जाता है, d बाय डी एक्स ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ जो है x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन। अब यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक x है और एक नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन है। मैं थोड़ा इसको दो कलर्स में कर देता हूँ, एक x है और दूसरा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन है, सही है। तो ये दो फंक्शन हैं, इनका डेरिवेटिव लेने के लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से ये पहले x आ जाएगा और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव वन ओवर x प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन जो है वो वन के इक्वल आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा। उसके बाद प्लस आता है और सेकेंड फंक्शन उसी तरह से लिख देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और साथ में फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव जो कि इक्वल के वन होगा, ठीक है। तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाय एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर y जो है डिवाइड हो रहा है, हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। ये इसके साथ 1 ओवर y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं राइट साइड पे, तो y यहाँ पर आकर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ओवर x प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन, और इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं y को। और ये y किसके इक्वल है, y की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। वो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले जो फंक्शन पहले से मौजूद है उसको लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू वाई। वाई किसके इक्वल है, वाई इक्वल है एक्स प्लस वन की पावर एक्स के इंटू एक्स प्लस वन की पावर एक्स के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें हाइपरबॉलिक फंक्शंस गिवन है, ठीक है, उनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जबकि हमें क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में, वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ टू एक्स, सही है। अच्छा, अब यहाँ इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 2x। कॉस हाइपरबॉलिक 2x हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था हाइपरबॉलिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन का, उसमें हमने कॉस की डिफरेंशिएशन क्या देखी थी, कॉस हाइपरबॉलिक x की इज इक्वल टू होता था साइन हाइपरबॉलिक x, ठीक है। तो यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक 2x हो जाएगा, क्योंकि एंगल इसमें 2x है, तो साथ में डेरिवेटिव भी एंगल का आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x।
इसका डेरिवेटिव ऑफ 2x जो है वो 2 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 2 sin हाइपरबॉलिक 2x। सही है, ये 2 जो है यहाँ से इसका डेरिवेटिव मैंने लिख दिया है पहले, तो 2 sin हाइपरबॉलिक ऑफ 2x आ गया इज इक्वल टू dy बाई dx के। इसी तरह से आप देखें क्वेश्चन, इसका पार्ट जो है हम 4 भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो इन्वर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इसका साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स की डिफरेंशिएशन भी हमने देखी थी, वो किसके इक्वल होती है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। साइन हाइपरबॉलिक जिस तरह से साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, एक्स ये वाला एक्स है, ठीक है, इसका स्क्वेयर लिया जाता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर पहले से मौजूद है तो इसका स्क्वेयर लिया जाएगा। सही है, मतलब कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर होगा, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x^4 का स्क्वेयर रूट। और देखें तो क्वेश्चन जो बुक में हमें गिवन है पार्ट 4, उसमें यहाँ पर एक्स क्यूब है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक्स क्यूब हो तो ये एक्स क्यूब का स्क्वेयर हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x^6 का स्क्वेयर रूट। तो ये रिजल्ट बनता है पार्ट नंबर 4 का। तो इसी तरह से बाकी जो हैं इसके पार्ट्स वो भी सेम वही आप डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस की थी। तो अगर तो आपको वो डिफरेंशिएशन याद नहीं है, ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में है वाई इज़ इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये भी एक इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी हो और आपको टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स का जो डेरिवेटिव का फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स को लेफ्ट साइड पे लें तो ये बन जाएगा टेन हाइपरबॉलिक वाई। ठीक है, यहाँ पर इनवर्स है, लेफ्ट साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेन हाइपरबॉलिक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। सही है, तो अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें, तो आप डी बाय डी एक्स इज ऑफ टेन हाइपरबॉलिक वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये टेन हाइपरबॉलिक वाई का तो आपको याद होना चाहिए, जो डिफरेंशिएशन बनती है उसकी। टेन हाइपरबॉलिक वाई का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वेयर वाई, और साथ में इसका एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, डी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वेयर वाई। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि सिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वेयर वाई की जगह हम इसकी आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वेयर टेन हाइपरबॉलिक स्क्वेयर वाई के इक्वल। ठीक है, 1 माइनस, इसको मैं थोड़ा ठीक से करके लिख दूँ, 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वेयर वाई। अच्छा, टेन हाइपरबॉलिक स्क्वेयर वाई, टेन हाइपरबॉलिक वाई किसकी इक्वल है, टेन हाइपरबॉलिक वाई जो है इक्वल है साइन एक्स के। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन से ही हमने मॉडिफाई थोड़ा करके बनाया था, तो ये इक्वल आता है साइन एक्स के, तो ये हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, बल्कि 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इक्वल होता है साइन स्क्वेयर एक्स के, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, बल्कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर यहाँ पर आता है। ठीक है, टेन हाइपरबॉलिक में हमने यहाँ पर साइन पढ़ा है, टेन हाइपरबॉलिक ऊपर हमने देखा था साइन हाइपरबॉलिक एक्स साइन एक्स के इक्वल है,
टेन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के इक्वल है, तो ये बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स के इक्वल। तो वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स होता है, तो ये स्क्वेयर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन ओवर कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है। और वन ओवर कॉस एक्स इक्वल होता है सीकेंट एक्स के, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमने देखी तो इज इक्वल टू सीकेंट एक्स आई है। तो इसको हम दूसरी तरह से डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो के इक्वल होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर के, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं यूज़ करके देख लेता हूँ कि सेम रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है। तो वो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। जबकि क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा, ये एक्स जो है यहाँ पर आता है, ठीक है, उसका स्क्वेयर लिया जाता है, तो उसके लिहाज से यहाँ पर साइन एक्स है एक्स की जगह, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर बनेगा वन ओवर वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, साथ में डेरिवेटिव भी आता होता है इसके, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो एंगल है साइन एक्स है, यहाँ पर हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह अब एंगल साइन एक्स है, तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो ये बनेगा वन ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स, बल्कि साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, तो ये कॉस जो है इस स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन ओवर कॉस एक्स इक्वल आ जाएगा सीकेंट एक्स के, ठीक है। अगर आप आपको याद है डायरेक्ट फार्मूलाज हाइपरबॉलिक इन्वर्स के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आ रहा है सीकेंट एक्स, तो जो मैंने थोड़ा सॉल्व करके उसको डिफरेंशिएट किया तो उसका भी रिज़ल्ट सीकेंट एक्स आया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्निक यूज़ करके डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके हमने कॉन्सेप्ट्स भी पहले पढ़े, उसके बाद हमने कुछ जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखे बिल्कुल सेम मेथड से, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.6 ख़त्म होती है।